सिंहासन के रूप में नमस्कार महामंत्र की धुन बुलाएंगे, ठीक है? सभी बोलना, जैसे मैं बोलूँ आप रिपीट करना, नौकार महामंत्र का अर्थ हिंदी समझते हो सब? हाँ, अब इंग्लिश मीडियम वाला का जमाना आ गया है, गुजराती कितने को नहीं भी आती है, इसलिए हिंदी में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी ठोकेंगे। ओम नमो अरिहंतो को नमन करो, अरिहंतो को नमन करो, अरिहंतो को नमन करो, अरिहंतो को नमन करो, राग देश का समन करो, राग देश का समन करो, ओम नमो सीताराम, ओम नमो सीताराम, सिद्ध भगवंतो को नमन करो, 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 अष्ट कर्म का हवन करो, अष्ट कर्म का हवन करो, ओम नमो आयरियाणा, बोलो ओम नमो आयरियाणा, आचार्यों को नमन करो, राजा की शरण ग्रहो, धर्म राजा की शरण ग्रहो, ओम नमो उवजायाणाम, ओम नमो उवजायाणाम, उपाध्यायो को नमन करो, उपाध्यायो को नमन करो, उपाध्यायों को नमन करो, उपाध्यायों को नमन करो, जैन शास्त्रों का पठन करो, जैन शास्त्रों का पठन करो, नमो लोए सब साहूणा, नमो लोए सब साधु गण को नमन करो, 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 जिन शासन अणगार बनो, जिन शासन अणगार बनो, अणगार इतने साधु, जहा जहा नमो लो ए सब साहूणा, नमो लो ए सब साहूणा, साधु गण को नमन करो, 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 जैन शासन अणगार बनो, जैन शासन अणगार बनो, एसो पंच परमेष्ठी को नमन करो, पंच परमेष्ठी को नमन करो, पंच परमेष्ठी का ध्यान धरो, 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 भवसागर को
कृतरु भवसागर कोशीकृतरु मुक्ति पद को शीघ्रवरु मुक्ति पद को शीघ्रवरु एषो पंचन मुक्कारो एषो पंचन मुक्कारो सब पाव परासनो सब पाव परासनो मंगलानं च सप्तेषी मंगलानं च सप्तेषी परमं भूयि मंगला परमं भूयि मंगला परमं नमो आयरियाणम का अभी क्या अर्थ बताया गया इसमें? आप पीछे बोलना, पहले बच्चों को बोलने दो, अभी बच्चों की पाठशाला है, आपको इसके साक्षी रहना है आपको। बोलो नमो आयरियाणम, अभी मैं बोला है जो दूर बोली ना जो सभी नवकार मंत्र के नव सभी पदों का अर्थ आया ना, ओमरी नमो आयरियाणम, फिर क्या बोला था इसको? नमस्कार बोलो, नमो आयरिया ने पूछा है, नमो हरियंता नहीं पूछा है। अब बोल आचार्य, जोर से बोल आचार्य, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। फिर नमो उपाध्यायानम, इसका अर्थ लड़कों में से कौन बोलेगा? बोलो उपाध्याय भगवान को नमस्कार। शाबाश, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो, धन्यवाद। What is your name? Parva. Parva. Wow. Parishar Parva. Very good. हमेशा आता है पाठशाला में कि आज पहली बार आया? कभी कभी आता है। ऐसी बात है, जब जब पाठशाला हो ना हमेशा आना। हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? सेवन, गुजराती में इंग्लिश मीडियम? अच्छा, सेवन स्टैंडर्ड, आई एम स्टडिंग इन सेवन स्टैंडर्ड। ओके, आप में से चैत्य वंदन विधि पूरी कितनों को आती है मंदिर में वंदी विधि करने की? अच्छा, नमो उत्थलम सूत्र कितनों किसों किनको आता है? आता है। हाँ, उसमें बोलो धम्म दयाणम, उसके बाद क्या आता है? धम्म देशीयाणम, इसको पूछा है। हाँ बोल, धम्म देशीयाणम बरोबर है? बरोबर है नहीं है, इसमें छोटी सी गलती है जो शायद बड़ों को भी कितनों को पता नहीं होगा। चलो अभी बड़ों को, बड़ों की परीक्षा ले ले, बोलो क्या गलती है इसमें, क्या होना चाहिए? धम्म दयाणम के बाद आप लोग भी धम्म देशीयाणम बोलते हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी धम्म देशीयाणम बोलते हैं? सभी देवसीयाणम बोलते हैं? नहीं, देवसीयाणम भी नहीं है, देशीयाणम भी नहीं है। बोलो क्या है, क्या होना चाहिए? नहीं मालूम, तुम्हें जाना? हाँ न जाना, हमें ऐसी इच्छा हमें जो पढ़ो क्यों आप जानो, क्या जाने। तो अगर किताब बराबर ध्यान खोल के देखो तो किताब क्या है? धम्म देशीयाणम लिखा है। देखो इनको मालूम है धम्म देशीयाणम, देशी नहीं है, देशीयाणम माने भगवान का विशेषण है। भगवान कैसे हैं? धर्म के देशक माने देशना देने वाले। तो देशना समय में देश है, देशी न देशी नाम है, देशना देश उपदेशक। धम्म देशीयाणम सुधार लेना, किताब में भी सुधार लेना। और देखो कितने समय से ये गलत जो सिखा गया है, अभी इसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा तभी सुधार सकेंगे। नहीं तो फिर कुत्ता होता है डॉग, डॉग हाँ उसकी पूछ टेढ़ी होती है ना, ऐसी
उसको सीधा करो, कितना भी समय एक दिन महीना दिन पकड़ सीधा करके रखो, फिर जब छोड़ेंगे तो वापिस टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है। तो इतने सालों से धम्म देशियानम बोलते आए हैं, अभी उसको सुधारना होगा। तो एक बार ये सुन लिया, जितने से काम होगा नहीं, बराबर ध्यान रख करके जब जब दिन में ऐसा हमको थोड़ा बोलो तब तब धम्म देशयानम। बरोबर, अभी जो पाठशाला में हिंदी आए हैं और आपके परिचय में होंगे उनको भी बता देना, हाँ कि कोई भी धम्म देशयानम बोले तो आप बोलना नहीं धम्म देशयानम नहीं है, क्या ये धम्म देशयानम, उसका अर्थ क्या है, भगवान कैसे हैं, धर्म के देशक उपदेशक, धर्म की देशना देने वाले, तो देशना स है सी नहीं है। बरोबर है, पची जो खमा सम सूत्र बोलते हैं इच्छामी, इच्छामी के बाद क्या बोलते हो, खमा समणो, वेरी अच्छी बात है। कई लोग खमा सणो बोलते हैं, इच्छामी खमा समणो, कितना क्या बोलते हैं, इच्छामी खमास मणो, खमास मणो, ये अशुद्ध है। स ये बाजू नहीं है, स कौन सी बाजू है, वे बाजू खमा समणो, इसका अर्थ कौन बताएगा, खमा माने, खमा माने क्षमा, और समणो, समणो याने श्रमण, श्रमण माने साधु भगवान। तो हे क्षमा गुण से संयुक्त ऐसे साधु भगवान, हम इच्छामि माने मैं इच्छता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्या वंदी हूँ आपको, वंदन करने के लिए मैं इच्छता हूँ। और जावनी जाए निशियाए मत्थ एन वंदामि, हाँ बड़े लोग होते हैं ना कभी, क्या बोलते हैं, मधे वंदामि, मधे वंदामि, मथे वंदामि, अरे मथे वंदामि, ऊपर जाता हूँ मैं, बताए क्यों हो गया, हाँ तो मथे वंदामि नहीं है, मत्थ एन वंदामि। और सुख शांति पूछते समय क्या बोलते हैं कई लोग, अरे साहेब शांत्या मचो शांत्या, शांत्या इतने शांता बहन पर नहीं, साता ऊपर विंडो नहीं, सत्यानी शांतानी साता सुख साता मा छो, हाँ ऐसे पूछना चाहिए। लेकिन ये और कई तो क्या बोलते हैं, कब महाराज जी आयो, लो जैसे कोई ग्रस्त किसी को मिलते हैं तब ऐसे बोलते हैं, हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कैसे हैं ऐसे ही नहीं, सुख जो शास्त्रीय शब्द है वो हमें बोलते आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ फिर कितनों को केवल नानी आती है, उनको आती है, अरे वाह, केवल रानी की चौथी ढाट बोलो तो जरा, फिर से बोलो श्री मंदर युग मंदर, फिर बाहु बाहु सुबाहु, बरोबर बरोबर, बाहु सुबाहु क्या बोलता है तू, बाहु सुबाहु ए सुख कर, अच्छा किताबे में एक ही जगह भी होता है, तो अगर अ बोलना है तो बाहु सुबाहु सुख कर ऐसे बोलना चाहिए, उसकी जगह पे बाहु सुबाहु असुख कर ऐसे बोलेंगे तो अर्थ का उल्टा अनर्थ हो जाएगा। बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी भगवान कैसे, असुख कर माने अ माने नहीं हिंसा और अहिंसा, अहिंसा माने हिंसा नहीं वो अहिंसा ना, तो असुख माने सुख नहीं, सुख नहीं तो क्या होता है, दुख, दुख तेरने वाले भगवान नहीं है ना, इसीलिए बाहु सुबाहु अ ये बाजू बोलने का, या तो ये बोल लो अथवा अ बोलो तो अ को ये बाजू बाहु सुबाहु सुख कर ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। इसी तरह भी बड़ों को पूछे नंदी सूत्र की पहली सज्जा है, कितनों को आती है, नंदी सूत्र की पहली सज्जा आती है, अच्छा उसकी लास्ट बोलो तो कड़ी, निभु ईप शासनय,
जय ईसया सब भाव देशरया। फिर क्या बोलते हो? बोलो आगे, बोलो फिर आगे, बोलो नीबू ही पा, बोलो बोल बताए। कुसुमय मायरा सनयम, बराबर है ये बोलता है, बराबर है ये बोलता है जो। हाँ कुसुमय नहीं है, किताब में देखना कुसुमय, कुसुम सुभ नहीं है, स है। कुसुम का अर्थ फूल होता है, लेकिन यहाँ फूल अर्थ नहीं है, यहाँ है कुसमय। समय टाइम को भी कहते हैं और समय आत्मा को भी कहते हैं और समय शास्त्र को भी कहते हैं, यहाँ शास्त्र अर्थ लेना है। समय कु माने खरा, सुदेव ने कुदेव बोलते हैं, कुदेव गुरु परिया कु माने खरा, समय माने शास्त्र, कु शास्त्र मिथ्या दृष्टियों के बनाए हुए शास्त्र। हाँ उनका जो मय, मय माने मद, या मैणा नहीं है, मैणा सुधी वाला मैणा सब नहीं है, मय अनाशनय, ना जो है मय के साथ नहीं जोड़ना है, कुसमय मय अनाशनय माने कुशास्त्रों के मद को नाश करने वाला, ऐसा जिनिंदवर वीर शासनयम माने भविष्यमी भगवान का शासन वो जयवंत वर्तता है, ऐसा अर्थ है। यानी कुसुमय नहीं, कुसमय, कुसमय मय अनाशनयम, कुसमय मय अनाशनयम। एक अक्षर आगे पीछे कर देते ना तो कभी अर्थ का अर्थ हो जाता है। एक जगह पे दीवार पे लिखा था, गुजराती में लिखा था, भैया कोई ये पेशा करो नहीं, करनार ने शिक्षा थसे दंड थसे। हाँ लेकिन लिखा कैसे था? भैया कोई ये, हाँ भैया कोई नहीं, भैया पेशा करो नहीं, करनार ने दंड थसे। इसके बदले में अल्प विराम का कौमा का रखा था, भैया पेशा करवो, अल्प विराम कौमा, नहीं करनार ने शिक्षा थसे, जो अक्षर तो वही वही है, बराबर है ना, लेकिन कौमा जहाँ रखना चाहिए था उसकी जगह जमीन लगा दिया तो पूरा अर्थ उल्टा अर्थ हो गया। यहाँ पेशाब करना, नहीं करने वाले को दंड होगा, यहाँ पेशाब करना नहीं, तो जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुकना चाहिए, उसको संपदा बोलते हैं। इसीलिए शुद्ध उच्चार पूर्वक सीखना सूत्र कौन पढ़ाते हैं पाठशाला? अभी उपस्थित नहीं है दूसरे कोई, नहीं है दो तीन जन है ना कोई? हाँ नहीं नहीं अभी तैयार हो, दो तीन चार चाहिए, इतनों बच्चों को पढ़ाना हो तो एक ही काफ़ी नहीं हो सकता है। हाँ दो तीन चार चाहिए पढ़ाने वाले, तो अच्छा ध्यान दे सके, और पढ़ाने वालों को भी ख्याल में रखना है, केवल गाथा की लेन देन के संतोष में रखना है। कभी कभी सप्ताह में एक दो बार अर्थ का पाठ भी रखना चाहिए, कभी कहानी कथा वार्ता का पाठ भी रखना चाहिए, कभी क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी का पाठ रखना चाहिए, कभी कोई गेम धार्मिक गेम हो, कभी कोई स्पर्धा हो इनामी, हाँ ऐसे कभी ड्रामा, कभी तीर्थ यात्रा, ऐसे चेंजिंग चेंजिंग प्रोग्राम रखेंगे तो बच्चों को क्या मजा आएगा, मज़ा आएगा बरोबर। हाँ तो अच्छी संख्या बनी रहेगी। चलो नाउ सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर, you have to ask any question which you have in your mind, okay? Who will ask question? Who will give Prabhavana today? जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे ना उनको अभी इनाम देना, प्रश्न पूछने वालों को। चलो raise your finger and ask any question, तैयार रखना, नोट तैयार रखना, अभी जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे प्रश्न पूछने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। चलो कौन पूछते हैं प्रश्न? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? थिंक थिंक, डोंट लुक एट योर मम्मी, हाँ यू वांट टू आस्क, वेरी गुड बॉय, सो लिप लुक इज वेरी लिटिल बॉय एंड ऑल्सो ही वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, स्टैंड अप, स्टैंड अप, join join your both hands now spare ask, अरे वेरी वेरी गुड आंसर क्वेश्चन। देखो आपको कभी ऐसा प्रश्न उठा मगज में नहीं आया, हाँ क्या व्हाट इज योर नेम? आरव, आरव, हाँ बच्ची प्रभावना दो इसको बच्चे को, हाँ
चलो वेरी गुड बॉय धन्यवाद नाउ यू स्टैंड अप एंड लिसन आंसर खड़े होकर नहीं वही 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 जब तक आंसर पूरा सुनो खड़े हाथ जोड़ के खड़े रहो और आंसर सुनो हीज रिकॉर्डिंग यू हीज रिकॉर्डिंग यू हाँ तो क्वेश्चन क्या था कि महाराज साहब व्हाइट ड्रेस व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं बरोबर है हाँ बोलो इसका आंसर किसको आता है अभी इसका आंसर किसको आता है आंसर बोलो वेरी गुड बोलो हाथ जोड़ करके बोलो इधर देख करके ब्यूटी त्याग करे वेरी गुड वेरी गुड अच्छी में जवाब दिया क्योंकि महाराज साहब उनको राग न हो वाइट रंग में कलरफुल कपड़े पहनते हैं ना उसके ऊपर क्या राग होता है आसक्ति होती है आजकल तो कितने फैंसी कपड़े कितने फैंसी ड्रेस निकले हैं लोग नहीं पहने ऐसे ऐसे भी ड्रेस निकलते हैं तो वाइट ड्रेस पहनने से राग नहीं होता देखने वालों को भी राग नहीं होता है और खुद को भी राग नहीं होता है दूसरा सफ़ेद जो रंग है ना कलर वो शांति का प्रतीक है हमें शांत होना है भड़काऊ कलर कपड़े पहनेंगे तो देखो कोई बैल है ऐसे कोई कलरफुल कपड़ा दिखाओगे वो भी भड़क जाएगा व्हाइट कपड़ा जो है वो शांति का प्रतीक है किसी दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है ना जब तो अगर कोई राजा समझो कि युद्ध शांत करना चाहता है शरणागति शिकार लेता सरेंडरनेस तो फिर वो वाइट ध्वजा लहराता है तो मतलब शांति हो जाती है बस युद्ध विराम हो जाता है तो इसीलिए हमें हमारे जो भीतर में कषाय है क्रोध मान माया लोभ इनसे हमारी आत्मा ब्लैक जैसी हो गई है कलुषित हो गई है तो कषायों को दूर करके हमें हमारी आत्मा को निर्मल वाइट पवित्र उज्ज्वल बनानी है इसके लिए व्हाइटनेस के प्रत्येक जो व्हाइट ड्रेस पहना जाता है जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना देयर इज सो मच इफेक्ट ऑवर क्लोथ्स ऑन आवर माइंड बराबर है जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे हमारे भाव और विचार बनते हैं तो इसीलिए सुन लो अभी बाद में पूछ हाँ देखो अभी बच्चे कितने प्रश्नों के लिए तैयार हो गए हैं इनाम की बात आई तो एक तो देखो अभी पीछे अभी पूरा मैं सुन लो पहले फिर पूछना तो बच्चों को कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए कौन बोलेगा हाँ इसको इनाम दिया इनाम ज्यादा रखना सिक्के बराबर तैयार रखना जो प्रश्न पूछेगा उसको भी और जो राइट आंसर देगा उसको भी इनाम मिलेगा ठहरो तो कृष्ण क्या कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए बच्चों को भी वेरी गुड हिंदी नहीं आती है बोलने को टूटी फूटी भी बोलो ये कोई सुनेंगे तो फिर तुम्हारी कच्ची नहीं समझेंगे मारवाड़ी लोग होंगे गुजराती लोग होंगे तो जहाँ तक शक्य हो तो हिंदी में बोलने का ट्राई करो कोई गलती पड़ेगी तो कोई सुधार लेंगे तो सुनिए पहले समझ लीजिए बरोबर हाँ अक्षर वाले कपड़े क्यों नहीं पहनते देखो कितने के यहाँ शर्ट के ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं तो अक्षर वाले कपड़े क्यों पे नहीं पहनने चाहिए क्या होता है उससे ज्ञान की आसाधना अक्षर है वो ज्ञान का है ना ज्ञान का प्रतीक है तो एक तो हमारे शरीर का पसीना उसके ऊपर लगता है वो भी आसाधना है और दूसरा जब कपड़े धुलते हैं तो धोखे से पीटे जाते हैं मारा जाता है उनको तो फिर वो अक्षर के ऊपर ऐसे पीटना या ब्रश से घिसना वो भी ज्ञान की आसाधना होती है उससे फिर हमारा घास कौन सा कर्म बंध होता है नाना वर्णीय कर्म का बंध होता है इसलिए आपको फिर ज्ञान चढ़ता नहीं है याद नहीं रहता है परीक्षा में भी नापास हो जाते हैं और मंद बुद्धि वाले भी बनते हैं दूसरे जन्म के अंदर इसीलिए अक्षर वाले कपड़े नहीं पहनना अभी जब भी आपके पापा नए कपड़े आपके लिए लेते वाले हो ना उनको बोलना हमको अक्षर वाले नहीं प्लेन कपड़े चाहिए भले अलग अलग ऐसी डिजाइन हो सकती है लेकिन अक्षर या चित्र भी नहीं चित्र मार्केट में तो भी ऐसे कपड़े मिलते हैं नहीं मिलते होंगे नहीं तो मैं सही तो दर्जी कपड़ा लेकर के दर्जी से पास से सिलवा लो प्लेन कपड़ा तो मिलता है नहीं मिलता है हाँ तो कपड़ा लेकर मंगा करके उस दर्जी से सिलवा लो देखो इसके पास अक्षर नहीं है इसके शर्ट के ऊपर है आगे तो नहीं पीछे का तो है कुछ हाँ इसके देखो एक शर्ट के ऊपर भी अक्षर नहीं है हाँ
तो इसका मतलब मार्केट में दोनों प्रकार के मिल जाओगे, अक्षर वाले भी मिल जाओगे, बिना अक्षर के भी मिल जाओगे। तो आपको चॉइस क्या करनी है, बिना कपड़े अक्षर वाले और बिना पिक्चर वाले चित्र, हाँ पशु पंछी के चित्र होते हैं, फिर उसको धो कैसे पीटते हो, तो वो भी ठीक नहीं है, हाँ इससे भी भाव हिंसा नहीं हो सकती है। चलो देखो अभी पढ़ा पढ़ी हो रही है क्वेश्चन पूछने के लिए, वेरी वेरी गुड, बहुत चल खड़े खड़े होकर के बोलो। पहले प्रश्न पूछने से पहले क्या बोलना, हाँ बोलो, ऐसा करो मथानी बोलने का, फिर अपना नाम पूरा बोलने का, पूरा परिचय लेने का, पूरा मेरा नाम सरनेम के साथ बोलने का, ये नाम है और मेरे कच्छ में अगर आपको मालूम हो मैं इस गांव का कच्छ में निवासी हो, ऐसे पूरा पूरा अपना परिचय लेना, फिर बोलना कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कि ऐसे करके प्रश्न बोलना, बोलो। अच्छी हिंदी में क्या करो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में बोलो, कच्छ हिंदी में बोलो। मेरा नाम प्रशम विक्की छेड़ा है, मैं मोटा राइजर से हूँ। मेरे को एक छोटा प्रश्न है कि अच्छा। गॉल मारा सर को हम वैक्यूम टच नहीं कर सकते। अरे वाह, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है तुम्हारा। इसका जवाब अभी तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तब समझ में आएगा। हाँ माने ब्रह्मचर्य पालन के लिए हमारे विचार कभी खराब ना हो जावे, इसके लिए देखो आज तक पिक्चर में कैसे कैसे दिखता है, हीरो हीरोइन डांस करते हैं, वो सब देख करके आपने दिमाग में मन में भी खराब विचार आ सकते हैं कि नहीं, हाँ इसीलिए ये मर्यादा बताई गई है। मैं तुमको प्रश्न पूछूँ कि तुम इलेक्ट्रिक का वायर खुला हो तो उसको छूओगे, क्यों तो शॉक लगता है, हाँ इसलिए शॉक लगता है हमको भी अभी, समझ गए ना, हाँ इस अलग प्रकार का शौक होता है टच करने से, वेरी गुड, लो इनको इनाम दो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया देखो इसने, धन्यवाद, वेरी गुड। चलो बोलो पहले स्टैंड अप, बोलो। मेरा नाम है अच्छा। मेरा एक प्रश्न है कि जो तपेगच वाले रहते हैं उनका पूजा करने का वो अलग होता है और हमारा पूजा करने का वो अलग होता है, तो उसके लिए सिखा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, अभी इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर किसको आता है, शायद बड़ों को भी पता नहीं होगा, बच्चों को तो कैसे पता होगा, इसका आंसर ट्राई करो, चलो बोलो हिंदी में। मेरा नाम आपन है, अच्छा तब तक वालों की पूजा करने की अलग रहती है क्योंकि उन लोग को लगता है कि उनका मोक्ष नाभि से होता है और हम लोग का मोक्ष यहाँ से लास्ट में यहाँ है ना, चलो थोड़ा सा ठीक है, अभी बराबर सुन लो उसका जवाब। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आप कमागज का जो मंदिर है वहाँ पूजा कर रहे हैं और आप कचर गज की क्रम के अनुसार में कैसे करते हैं, देखो पहले भगवान के दो अंगूठे, फिर दो जानू ढीचा, फिर दो हाथ कंडा, पहले राइट फिर लेफ्ट, उसके बाद कहाँ करते हैं हमारे मचल गच में नाभि, हार्ट नवे हार्ट शोल्डर को क्या बोलेंगे, नेक नेक हेड नहीं फोरहेड एंड देन हेड टेल ऑफ हेड। और दबाग इसमें कैसे करते हैं, जैसे पहला तीन तो सब बड़ा सरखा है, दोनों हाथ के बाद दोनों शोल्डर फिर टेल ऑफ हेड फोर हेड नेक हार्ट नवे ओके, इस प्रकार से तपा कैसे करते हैं, तो अपनी अपनी पद्धति से दोनों ठीक है, जिसको जो परंपरा मिली हो गुरु परंपरा उसको अनुसरण करना चाहिए, दूसरे विश्वास गलत कर रहा है ऐसा बोलना या मानना चाहिए नहीं, लेकिन अभी कभी समझो आप कोई तीर्थ में गए हैं अथवा तपा गज के मंदिर में गए हैं और आप अचल गज की पद्धति से पूजा करते हैं नीचे से ऊपर की ओर और कोई देख जाएगा वो बोले ऐसे क्यों कर दो गलत कर दो, तो उस वक्त आपको उनको प्रेम से शांति से जवाब देना आना चाहिए कि हमारे यहाँ इस क्रम से किया जाता है क्योंकि
भगवान की पूजा सेवा भक्ति के माध्यम से हम हमारी आत्मा की ऊर्ध्व गति करवाना चाहते हैं। और यहाँ सिद्ध ये जो है ये सिद्ध शिला का प्रतीक है, मोक्ष में जाना चाहते हैं, सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध परमात्मा बनना चाहते हैं भगवान की भक्ति पूजा के माध्यम से, इसीलिए हम ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ही पूजा करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि भगवान की भक्ति करते करते कभी जो माहौल आ जाता है तो नाभि के नीचे एक विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति होती है जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, और वो जब जगती है ना तो फिर उसकी गति ऊपर होती है। हमारी जो करोड़ रज्जु है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड, उसके उसमें से शक्ति का प्रवाह जैसे ऊपर चढ़ रहा है ऐसे अनुभव अपने को होता है। वो चढ़ते चढ़ते जब यहाँ आता है ना और ऐसे ध्यान दशा लगती है, शरीर को भूल जाते हैं, फिर जब यहाँ आती है तब तो समाधि अवस्था लगती है, उसके बाद हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार यानी अनुभव होता है। तो इसीलिए हम भी नीचे से ऊपर की ओर पूजा करते हैं। फिर उनको पूछना चाहिए, जरा आप तो बताइए कि आप ऊपर से नीचे क्यों उतरते हैं, उनके पास शायद जवाब नहीं भी होगा, लेकिन हमने हमारी से उसका एक जवाब सोचा है। क्या जवाब है, देखो हमारी आत्मा, इस हम आत्मा है, कौन है, सोल, आत्मा को क्या बोलते हैं, सोल, दूसरा वर्ड क्या है, स्पिरिट, तीसरा वर्ड है कॉन्शियसनेस। आत्मा शरीर में कहाँ पर है, इधर है, इधर है, इधर कहाँ पर है आत्मा शरीर में, वेरी सोल इन दिस बॉडी, हियर हियर, वेरी गुड। हिंदी में बोल, इंग्लिश, इसका अभी इंग्लिश में बोल, अभी जो सेंटेंस बोला है ना अभी, इसका इंग्लिश का तो बड़ा लड़का है, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में सोल इज प्रेजेंस, प्रेजेंट इन अवर होल फुल बॉडी विदाउट स्पेस ऑफ माउथ स्टमक एटसेट्रा। जब स्पेस खाली जगह है पेट में, पेट में खाली जगह है, नाक में, कान में, मुंह में, वहाँ आत्मा नहीं, बाकी पूरे शरीर में आत्मा फैली हुई है। जैसे तिल में तेल कहाँ होता है, पूरे तिल में होता है ना, मूँगफली में भी पूरे दाने में तेल होता है, फूल में पूरे फूल में सुगंध पूरे फूल में होती है, इसी प्रकार से आत्मा भी पूरी शरीर में फैली हुई है। केवल हमारे नाखून जो है ना उसका जो आगे का भाग है उसमें नहीं है, नेल कटर से नाखून काटते तो पीड़ा नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा कट जाए तो पीड़ा भी होती है। इसके मूल में आत्मा है, आगे आत्मा नहीं है, हेयर में भी आगे आत्मा नहीं है, खेती से काटते हैं तो पीड़ा नहीं होती है, लेकिन लोच कर ऐसे खींचे तो पीड़ा होती है ना, तो मूल में है आत्मा लेकिन ऊपर में नहीं है। तो क्या बात थी, अपनी आत्मा की बात कैसे आ गई, हाँ तो हमारी आत्मा की ऊर्ध्व गति के लिए, हाँ तो पूरे शरीर में आत्मा है और आत्मा के प्रदेश होते हैं सूक्ष्म एटम, जैसे परमाणु जितने सूक्ष्म जो उसको प्रदेश बोलते हैं, आत्मा के प्रदेश, कितने प्रदेश है आत्मा के पूरी बॉडी में, जो आत्मा है उसके कितने कितने प्रदेश होते हैं किसी को मालूम है, हाँ असंख्य की अनंत, अनंत की अनंत, अनंत इन्फिनिट, नॉट इन्फिनिट, इन्यूमरेबल, इन्फिनिट तो एंडलेस अनंत को बोलते हैं, इन्यूमरेबल माने इसके हम काउंट नहीं करते, असंख्य, जिसके लिए कोई संख्यावाचक शब्द नहीं होता है, असंख्य प्रदेश हैं, उसमें से प्रत्येक आत्मा प्रदेश के ऊपर अनंत कर्म परमाणु चिपके हुए हैं, लेकिन आठ आत्मा प्रदेश ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कभी भी कोई कर्म लगता भी नहीं था, भूतकाल में लगा नहीं, अभी भी आज भी नहीं है, भविष्य में कभी लगेंगे नहीं, वो आत्मा प्रदेश शुद्ध हैं। केवल आठ आत्मा प्रदेश संपूर्ण शुद्ध है, बिना कर्म के हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन से प्रदेश आठ, रुचक प्रदेश, क्या बोलते हैं, रुचक, क्या बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में किस जगह पे होते हैं, नाभि के जगह पे होते हैं, बराबर है। तो भगवान की भक्ति के माध्यम, पूजा भक्ति माध्यम से जैसे आठ आत्मा प्रदेश विशुद्ध हैं, कर्म रहित हैं, ऐसे हमारे पूरे आत्मा को
ऐसा निर्मल बनाना है, इसीलिए अंतिम लक्ष्य के रूप में नाभि कि वहाँ पूर्ण विराम होता है, ऐसे अर्थ गठन अपन कर सकते हैं। बराबर है? तो जिनको जो परंपरा मिली हो, अचल गज के आप है तो नीचे से ऊपर की ओर कीजिए, तपा गज वाले हैं तो ऊपर की नीचे करें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपको जवाब आना चाहिए कि आप लोग क्यों नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। बराबर है? चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is your name? Daksha. Very good. But do you know the meaning of Daksha? Very clever. Clever boy. Bashiya. Shilaksha. I have a question. Yes. Why do we do puja to God? Why do we puja? Puja means worship. Yes. Why we should worship God? Okay? This is your question. Yes, yes. Very good. Sit down. I ask you question for this question. Why do you eat daily? Because to get energy in our body. Energy. So हम जो सोल हैं उसमें भी शक्ति तो अनंत है, लेकिन वो शक्ति अभी छिपी हुई है, दबी हुई है, उसको प्रकट करने के लिए, और हम पूजा गॉड की पूजा करते हैं गॉड बनने के लिए। ऐसे हमारी आत्मा में और गॉड की आत्मा में जहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क केवल है कि उन हमारी आत्मा अभी कर्म से लिप्त है, दबी हुई है, जबकि भगवान ने सारे कर्म का क्षय कर दिया, शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट हो गया, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञानमय आत्मा हुई भगवान की, पूरे दुनिया को एक साथ देख सकते हैं, जान सकते हैं, तीनों काल को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जान सकते हैं। इतना ज्ञान हम सभी में भी अभी है, लेकिन उसके ऊपर कर्म के बादल छाए हुए हैं, उनको हटाने के लिए जिसका हम जिसकी हम भक्ति करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम उनके जैसे बन जाते हैं, जैसा संग वैसा रंग होता है। आप खराब बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे तो धीरे 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 आप भी उस बच्चे से खराब हो जाएंगे, बराबर ना? तो अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे तो उसके साथ आप भी अच्छे हो जाएंगे। तो हम भगवान की पूजा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, भले इसी जन्म में नहीं बनेंगे तो दो चार छः भावों में भी हम भगवान बन सकते हैं। इसीलिए प्रिया को इनाम दे दिया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो पहले पूछ चुके हैं ना उनको लास्ट में, पहले नए नए को पहला चांस मिलेगा। बोलो नाउ फ्रॉम दिस साइड। मेरा नाम सलोनी है। पहले बोलो क्या, हाथ जुड़ करके, और देखो आपके पास एक हैंडकरचीफ है, नीट के रुमाल अगर है तो ऐसे रख करके मुंह के आगे और बोलने का। हाँ, हर क्वेश्चन इज देयर लाइफ इन स्टोन एंड वेजिटेबल और वुड। बराबर है? वनस्पति में और पत्थर में भी क्या जीवन होता है, चेतना होती है, आत्मा होती है, इनका क्वेश्चन है। बराबर है? हाँ, चलो इनको भी दे लो, ध्यान रखना सीखे। बराबर? हाँ, बराबर। तो बच्चा प्रश्न किया कि स्टोन में भी क्या आत्मा चेतन चेतना होती है और वुड में, उसका जवाब क्या है, यस और नो? यस भी और कभी नो भी। हाँ, उनके अंदर जीव नहीं रहता, लेकिन उसका जो आउटर सरफेस रहता है उसमें बहुत जीव आते हैं। वो जी दूसरे जीव बैठते हैं, वो नहीं, उसमें खुद में खुद आत्मा उसमें है, दूसरे जीव जंतु इंसेक्ट वो उसकी बात नहीं। तो स्टोन को हमारे यहाँ जैन धर्म में क्या बोलते हैं, पृथ्वी का है, 7 लाख पृथ्वी का है बोलते हैं ना, पृथ्वी ही जिसकी काया है, काया मीन बॉडी शरीर, पृथ्वी ही जो ये दिखती हुई पृथ्वी, चाहे वो तंत्र के रूप में हो, चाहे वो सैंड माने रेत के रूप में हो, चाहे कोई बड़े पत्थर के रूप में हो, चाहे सॉल्ट माने नमक के रूप में हो, चाहे गोल्ड के रूप में हो, सिल्वर के रूप में, कोई भी लोहे के रूप में हो, तो जब वो खदान में होते हैं तब सभी में आत्मा में चित्त जीव होता है, लेकिन वो खदान में से बाहर निकाल करके उसको फिर भट्टी में डालते हैं, अग्नि में तपाते हैं, तो फिर वो जो आत्मा उसमें होती है वो चली जाती है, मर जाती है, फिर उसी डेड बॉडी रहती है।
अभी देखो ये जो इधर पड़ी है तो ये डर्ट बॉडी है, इसमें ये यू नहीं है, लेकिन ये जब जब खदान में थे मिट्टी के रूप में, तब इन सभी में भी आत्मा सोल उसमें भी होता है। इतना से इतनी मिट्टी हो ना, उतने में असंख्य इन्यूमरेबल वो पृथ्वी का ही उनकी बॉडी है, बहुत पार्टिकल जैसी एटम जैसी करीब करीब बहुत सूक्ष्म उसकी बॉडी होती है, एक बॉडी। और इतना जो कंकर है इतनी मिट्टी उसमें तो वो तो असंख्य जीवों पृथ्वी का जीवों का वो पिंड है, इतने बारीक उनका बॉडी होती है। तो उसमें भी जीव चेतना जैसे हमारी हड्डी में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, हमारी हड्डी की बॉडी वो भी कठिन सॉलिड है फिर भी वो बढ़ती है, क्योंकि उसमें भी आत्म प्रदेश होते हैं जो हड्डियाँ बढ़ती हैं। तो उसी प्रकार से टोन में भी सॉल होती है, इसीलिए हमें बिना कारण से जमीन को खोदना वगैरह करना चाहिए नहीं। देखो हम लोग विहार करके जब गाँव में विहार करते हैं ना, एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं, तो जब दूसरे गांव की वो क्या बोलते हैं सरहद को क्या बोलते हैं बॉर्डर आती है ना, तो हमारा जैसे ये उगा इसको क्या बोलते हैं उगा जोर बोलते हैं, तो ये किसके लिए जीव रक्षा के लिए है, ये केवल सफाई के लिए कपड़े खराब ना हो इसके लिए नहीं है, कोई छोटे से जंतु हो जो दिखने में भी नहीं आते हैं आँख से कभी, फिर उसको उसकी रक्षा हो, ये सॉफ्ट है बहुत सॉफ्ट, ऐसे करके प्रमार्जना इसको साफ करके फिर बैठते हैं या खड़े रहते हैं या सोते हैं वो भी, तो इससे बड़ा जो होता है फिर दिखा देखो वो क्या है दंडासन, वो हमारे दिखा देना इसको क्या बोलते हैं दंडासन। तो जब हम दूसरे गांव की बॉर्डर में जाते हैं उससे पहले उस दंडासन से भी हमारे पाँव का जो विषय निकला उसको साफ करते, क्योंकि अगले गांव की जो ब्रज लगी है जो मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी उसका नेचर अलग होता है और दूसरे गाँव की मिट्टी के नेचर अलग होता है, तो अगर दोनों का मिश्रण होता है ना तो फिर जो उसमें भी बलवान और निर्बल होते हैं, तो बलवान जो होता है उससे निर्बल वो मरता है, ऐसा न हो इसके लिए पहले दंडासन से वो उसको हम अगले गांव की मिट्टी जो होती है उसको साफ कर देते हैं। देखो कितने सूक्ष्म ऐसे उपाय जिस जीवों की रक्षा के लिए भगवान ने बताए हैं। उसी प्रकार से दूसरा इनका जो वुड वुड माने वेजिटेबल समझो, तो वो जो चार पेड़ के रूप में ट्री के रूप में होती है, चाहे ट्री की ब्रांच हो, तो उसमें तो आज वनस्पति का है बस 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण तो वनस्पति ही वेजिटेबल ही जिसकी काया है, ऐसे जो आत्मा उसको वनस्पति काय कहते हैं, लेकिन उनको काट करके फिर जैसे ये पार्ट बनाया तो अभी इसमें सोल नहीं है, लेकिन जब वो पेड़ के रूप में था तब उसमें भी सोल था, ठीक है। इसलिए बिना कारण से हमें फूल पत्ती वगैरह तोड़ने गार्डन के ऊपर ग्रास के ऊपर चलना चाहिए नहीं, नहीं चलते हैं ना, हाँ मालूम नहीं था तब तक चले भी होंगे, लेकिन अब से ख्याल करना, कभी भी गार्डन में जाओ तो ग्रास के ऊपर चलना लॉन के ऊपर चलना चाहिए नहीं। समझो हमारे ऊपर कोई ट्रैक्टर या बड़े क्या बोलते खटारे को ट्रक को चलाए तो कैसा मजा आएगा ना हमारे ऊपर से, हाँ तो हम इतने बड़े और वो चाहे छोटे छोटे घास के जीव उसके ऊपर से हम चलें तो उनको कितनी पीड़ा होती है ना मरु, और उसके नीचे कई बार छोटे छोटे इंसेक्ट भी होते हैं, तो हम घास में चलते हैं तो कितने जीवों की हिंसा हत्या होती है ना, इसीलिए फिर हमको भी कई बार ऐसे मरना पड़ेगा, हमको हम भी इंसेक्ट बनना पड़ेगा, हमको घास वगैरह बनना पड़ेगा, हमको लोग काटेंगे फिर खाएंगे जलाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें सुखी होना है तो किसी भी दूसरे छोटे बड़े किसी भी जीव के दुख में हमें निमित्त बनना चाहिए नहीं। वेरी गुड, हाँ इनाम मिल गया, वेरी गुड। नाउ न्यू स्टूडेंट, तुम्हारी बारी नहीं आई है, पहले आगे नहीं आई है, नहीं आई है, हाँ अरे हो जाओ, वेरी गुड। मेरा नाम आरन राकेश अनोई है, वेरी गुड। मेरा गांव कपाया है, कच्छ कपाया है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा भले पूछो, छोटा सा प्रश्न था, पहला मरे जो तो जैन धर्म पहले इतना बोलो, पहला मरे क्षत्रिय और वॉरियर था, पर वो कोई जैन धर्म में वेरी गुड, देखो वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ गिव हिम, हाँ तो देखो बाय बर्थ पहले के जमाने में जन्म से जैन नहीं, जो पाले उसका धर्म,
अभी हम लोग सब व्यापारी लोग हैं, बरोबर वैश्य जिसको बोलते हैं व्यापारी लोग, उसके हाथ में अभी जैन धर्म की बागडोर आ गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देखो हमारे तीर्थंकर सभी क्या होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, और उनके शिष्य मान गणधर्म का गौतम स्वामी के लिए क्या थे, 11 ब्राह्मीण थे, बरोबर, और शालीभद्र धन्नाजी वगैरह क्या थे, व्यापारी थे, वैश्य थे, और मैत्रार्य मुनि वगैरह कोई शूद्र की बात भी आती है एक्सेप्शनल केस में, तो जो पालन करे उसका धर्म। लेकिन ऐसे बहुत साल पहले भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा वाले आचार्य भगवंत हो गए रत्नचंद्र सूरी कृष्ण नाम था, तो उन्होंने फिर अमुक कारणों से तो कुल बनाया जाति, जिस इसलिए शादी विवाह करना है तो जो भगवान तीर्थंकर भगवान को मानते हैं जब जैन साधु उनको ऐसे उनके कास्ट अलग बनाई अच्छे संस्कार पर के लिए, नहीं तो फिर आजकल तो जैसे क्या होता है, देखो अंतर नातीय लग्न होते हैं, जैन होता है और कई बार तो मुसलमान से भी शादी कर जाते हैं, फिर उसको वहाँ मांस भी पकाना पड़ता है, मांस खाना खिलाना पड़ता है, तो ऐसा न हो इसके लिए ऐसे अलग अलग कुल बनाए, जैन कुल बनाए, बराबर है। हाँ तो ख्याल रखना चाहिए, आप भी बड़े हो शादी करो तो ख्याल रखना, हाँ अपने जैन कुल में ही करना, जैसे जैसे कोई कॉलेज पढ़ते हैं किसी को लड़की को देखा पैब हो गया शादी कर लेते हैं, बाद में भी डांडिया रस होता है, दोनों का स्वभाव दोनों का नेचर मेल नहीं खाता है, फिर झगड़े रगड़े होते ही रहते हैं, वो प्यार का कलर तो क्या हल्दी जैसा रंग है, थोड़े समय में उड़ जाता है, थोड़ी सी धूप लगी उड़ जाते हैं, और फिर वास्तविकता जो ख्याल में आती फिर पछताते हैं जिंदगी भर के लिए, इसलिए ख्याल करना तुमको, खास करके लड़कियों को ख्याल रखने जैसा है, आजकल है ना ये लव जिहाद जिसको बोलते हैं मुसलमान लोग में होते लड़के होते हैं ना, जान बूझ करके अपनी हिंदू लड़कियों को प्रेम की जाल में फंसाते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, कुछ उसको लालच देते हैं पैसे वगैरह की, कभी चुपकुटर के घुमाते, कभी पिक्चर दिखाते, कभी होटल में ले जाते हैं, हाँ, और फिर भी वो जवान अवस्था ऐसी होती है, फिर वो बोलती है मैं शादी करूँ तो इसी से करूँगी, हाँ माँ बाप की भी सुनती नहीं है, हाँ कभी कभी भाग जाती है, भगा जाता है, भाग जाता है, और जब शादी करते हैं घर पे जाती है ससुराल में, तब उसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ, चीटिंग हुआ है, पहले वो प्रॉमिस देता है नहीं तुम मैं तुमको नहीं पकाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सब प्रॉमिस देता है, लेकिन शादी हो जाती है सब प्रॉमिस खोक हो जाते फेल हो जाते हैं, फिर सब उसको करना पड़ता है, नहीं करती है तो वो लोग उसको मार देते हैं, ऐसा होता है, इसीलिए ख्याल रखना, कभी ट्रेन के चक्कर में मत पड़ना ऐसे चक्कर में होकर के। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों को कोई ना कोई एक प्रश्न तो पूछना ही है, देखो कुछ बच्चे तो दूसरी बार तीसरी बार भी प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी इधर से कोई प्रश्न नहीं आया है, हाँ पूछना है, वेरी गुड, देखो अभी मम्मी सिखाना मत किसी को, किसी को अभी क्या ये पूछ ऐसे पूछ ऐसे नहीं, स्वयं बोलेंगे, बोल join your hands, is there handkerchief, no, or पसीने को क्या बोलते हैं, हाँ राइट लाइक दिस, टेक नाउ धर्मला, हिंदी में इंग्लिश होता है हिंदी, देखो नरेंद्र मोदी भी हिंदी में भाषण देते हैं, चाहे कहीं फॉरेन भी जाएंगे हिंदी में बोलेंगे, और राष्ट्रभाषा इसका गौरव होना चाहिए, बोलो हिंदी में, याना अच्छा भले फिर बोलो आगे बोलो, मेरा विलेज क्या है, मेरा विलेज गुंडाला कच्छ में, मेरा गांव कच्छ में गुंडाला है, ठीक है बोलो आगे बोलो, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रूफ दैट आवर सोल इज रियल, ओके वेरी गुड क्वेश्चन, गिव हिम, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ आवर सोल, बिकॉज सोल इज इनविजिबल, अदृश्य है आत्मा है, उसका प्रमाण क्या है पूछ रही है, हम आत्मा हैं तो आत्मा का कलर कैसा होता है, ब्लैक रेड ग्रीन,
जवाब जवाब देना है। अच्छा बोल। ब्लैक होता है। आत्मा का कलर ब्लैक होता है। रॉन्ग आंसर। कैसा ब्लैक होता है इसके जो इसके जैसा। बोल पीछे बात। नहीं नहीं अभी अभी तो पहले क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको बोलना अगर आता है तो आंसर इसका आंसर आता है बोल सफेद वाइट वाइट इंग्लिश इंग्लिश में वाइट तो सफेद हाँ ठीक है सफेद होता है आत्मा और आत्मा शरीर में रहती है हाँ तो कभी ऑपरेशन होता है तो सफेद निकलता है आत्मा दिखता है तो फिर अदृश्य जिसको देखा नहीं जा सकता इनविजिबल इंग्लिश में कहें तो इनविजिबल विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज आत्मा आंखों से देखी जा सकती ऐसी तो चलो ऐसे बता जवाब दो ऐसी दूसरी आत्मा के सिवाय दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो इनविजिबल होते हुए भी उसको सारी दुनिया मानती है चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो आस्तिक हो या नास्तिक हो सभी मानते हो बोलो ऐसे कौन सी चीज है जो इनविजिबल होते हुए भी सभी मानते पूरी दुनिया मानती है बोल भूत को देखो भगवान को पूरी दुनिया नहीं मानती है नास्तिक लोग कहाँ मानते हैं पूरी दुनिया माननी चाहिए ऐसे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो आस्तिक हो नास्तिक हो ब्रीदिंग ऐसे ऐसे बोलो एयर विंड व्हाट इज द कलर ऑफ एयर और विंड कलरलेस ऐसे आत्मा भी कलरलेस है सुनो देखो अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा अभी सुनो बराबर ध्यान से एयर भले विजिबल नहीं है दिखती नहीं है लेकिन वो टचेबल है स्किन के द्वारा पता चलता है कि अभी गर्म हवा है ठंडी हवा है जो चलो आत्मा का टच कैसा है उसका स्पर्श ओल्ड है हॉट है स्मूथ है कैसा है लाइट है हल्का है भारी है आत्मा का वेट उसका स्पर्श आत्मा का स्पर्श कैसा टच कैसा है ओल्ड और हॉट नॉर्मल गरम गरम है नो हॉट नो कॉल्ड नॉट टचेबल ऑल्सो नॉट विजिबल नॉट टचेबल देन गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर थिंग विच इज नॉट विजिबल नॉट टचेबल देन ऑल्सो एवरीबडी स्मेल सुगंध अथवा दुर्गंध देखो सुगंध होती है गटर के पास जाते सुगंध स्मेल आता सुगंध आता है क्या आता है दुर्गंध बैड बैड स्मेल और गार्डन के पास से पसार होते तो स्वीट स्मेल आती है तो स्मेल जो है कैन यू सी द स्मेल नो कैन यू टच द स्मेल यू कैन टच पावर बट यू कैन नॉट टच स्मेल उसी प्रकार से आत्मा विजिबल भी नहीं है टचेबल भी नहीं है और नाक से उसकी कोई गंध भी नहीं है धूप भी नहीं है चलो तो ऐसा कोई एग्जांपल लो जो देखा भी नहीं जा सकता है जो टच को भी नहीं किया सकता है जिसको नाक से भी नहीं जान सकते हैं आँख से भी नहीं जान सकते हैं कान से भी नहीं सुन सकते हैं फिर भी वह उसके अस्तित्व को उसके एग्जिस्टेंस को पूरी दुनिया मानती हो आवाज चलो आवाज कौन से दूसरा इमोशंस वेरी गुड लागणी प्रेम होता है दुख दुख होता है दुख दिखे दुख को पांच सेंसेस फाइव देयर आर फाइव सेंसेस स्किन टंग नोज आईज एंड ईयर्स हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस कैन यू नो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस बाय एनी ऑफ दिस फाइव सेंसेस नो यू कैन फील हाँ सुख को दुख को देखो डॉक्टर था डॉक्टर एक महाराज साहब थे और महाराज साहब को थोड़ा बीमारी थी होगी तो भक्त श्रावक लोग थे डॉक्टर को ले आए
तो हमारे सर तो यंग थे, छोटी उम्र वाले थे, हमारे छोटे हमारे दिए ना छे। डॉक्टर ने पूछा हाँ वाई हैव यू टुक दिस प्रतिवरण दीक्षा इन योर स्मॉल एज। तो हमारे सर जवाब दिया फॉर द कल्याण ऑफ आत्मा, आत्मकल्याण के लिए आए। सोच अरे मारे साहब हाउ नॉनसेंस, आई एम डॉक्टर, आई एम एमडी डॉक्टर, मैंने कितने सारे ऑपरेशन किए हैं पूरे शरीर के सारे अवयव तो, लेकिन कहीं पर भी अपने आत्मा जैसी कोई चीज़ अगर होती तो देखिए दिखाई देती ना, और हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है उससे छोटी सी छोटी बात चीज़ भी दिखाई देती है, लेकिन कहीं पर भी हमारे ऑपरेशनों के अंदर आत्मा जैसी कोई चीज़ की है नहीं, इसलिए आप भ्रमित हो गए हैं। डोंट टॉक नाउ, गो लिसन केयरफुली व्हेन आई एम स्पीकिंग, लिसन केयरफुली, डोंट टॉक विद ईच अदर। तो ऑपरेशन हाँ, तो महाराज साहब आपको ये दूसरे महाराज साहबों ने आपको भ्रमित कर दिया है, हाँ आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हाँ तो खाओ पियो जलसा करो ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी, हाँ अगर आत्मा हो तो दिखाओ हमको चलो। तब महाराज साहब ने कहा जरूर दिखाएंगे, लेकिन देखो बात ऐसी है आत्मा बहुत ही एक अनमोल चीज़ है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, तो उसको देखने के लिए है ना एक्स्ट्रा बुद्धि चाहिए, ब्रिलियंट बहुत बुद्धिशाली हो जो हो तो उसी को हम दिखा सकते हैं आत्मा। आई वॉन्ट टू नो आर यू ब्रिलियंट, बुद्धि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटेलिजेंट बुद्धिशाली, दूसरा भी कुछ शब्द वर्ड है बुद्धि के लिए, केवल बुद्धि इंटेलेक्ट, आर यू इंटेलेक्ट, यस। अगर मैं बुद्धिशाली नहीं होता तो डॉक्टर थोड़े बन सकता, बुद्धू होता है बुद्धू वो बन सकता है डॉक्टर, क्या मूर्ख नहीं बनता है। और मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल है मुझे तो बहुत इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर शार्प इंटेलिजेंट, अच्छा ऐसी बात है तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, तो प्लीज़ लेट मी सी स्मॉल सैंपल ऑफ योर इंटेलेक्ट, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सैंपल दिखाओ, तुम्हारी बुद्धि कैसी है ज़रा देखूँ मैं। अरे महाराज साहब कैसी बात करते हैं, बुद्धि थोड़ी दिखाई जा सकती है, तो फिर वो तो अनुमान होता है, जब कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड केस हो उसको भी अच्छी तरह आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आता है कि ये बहुत बुद्धि है, अनुमान होता है, बुद्धि को हाथ में ऐसे दिखाई नहीं जा सकता है, उसको उसको माइक्रोस्कोप से बुद्धि को उसका पता चल, IQ उसको बोलते हैं, बुद्धि क्या उसका पता चलता नहीं है, उसका अनुमान होता है। तो हमारे संग बस इसी प्रकार से आत्मा भी जो है वो इसी इंद्रियों से गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है, अनुभव आत्मा का एक्सपीरियंस माने अनुभव हो सकता है, आत्मा आनंदमय परम आनंदमय है, जब हम शांत होते हैं हमें कोई कुछ भी सोचते नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कभी भीतर से जो आनंद का अनुभव होता है वो आत्मा का आनंद होता है, इसी तो आत्मा दिखाई नहीं जा सकती है लेकिन आपका आत्मा का एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर दूसरा ऐसा ही एक किस्सा, ऐसे ही महाराज साहब बीमार थे, डॉक्टर आए और ऐसा ही क्वेश्चन किया, हाँ तो महाराज साहब ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब आप तो कितनों की पेन जो होता है दुख उसको दूर करते हैं, आपको कभी शरीर में पेन होता है? डॉक्टर ने कहा हाँ महाराज साहब सच्ची बताऊँ अभी भी मेरा जो आधा सर है ना उस पर पेन हो रहा है, सिर दर्द। अच्छा तो ऐसा करो ना तुम्हारा जो पेन हमको दे दो, हम तो साधु संत हैं, हम तो हमारा तो अभ्यास हो गया है पेन को सहन करने का, थोड़ा पेन हमको दे दो। अरे महाराज साहब ऐसे थोड़ा पेन किसी का किसी को दिया जा सकता है, तो उसकी फीलिंग होती है, उसका महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बस तो आत्मा का भी ऐसे फीलिंग हो सकता है, अनुभव हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, आत्मा 5 senses में से किसी भी सेंस से उसको पकड़ नहीं सकते हैं। समझ में आया, आई बात समझ में? चलो दूसरा देखो, दूसरे आप देख रहे हैं गाड़ी दौड़ रही है, कार दौड़ रही है, पर उसमें कौन बैठा है आप देख नहीं सकते हैं, फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं जरूर उसमें कोई ड्राइवर बैठा होगा जो कार को अच्छी तरह चला रहा है। इसी प्रकार से ये बॉडी है ना एक कार जैसी है, और उसका ड्राइवर कौन है? सोल भीतर में है,
तब तक हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते, चलते फिरते, हंसते खेल सकते हैं, अचानक हार्ट फेल हो जाता है ना, हाँ आदमी मर जाता है। तो आजकल तो साइंस कितना आगे बढ़ गया है, शरीर का ऑपरेशन भी कैंसर कर सकता है, हार्ट तक भी चेंज कर सकते हैं, लंग्स को वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, फिर भी आपने कभी सुना एक पेशी एक कोई आदमी मरे ही नहीं कभी? ऐसी खोज हुई है अभी तक? नहीं हुई है ना। हाँ तो क्या हुआ, 25 साल की उम्र थी, अचानक मर गया, अटैक आया, मर गया, तो क्या चला गया? बॉडी तो ऐसी की ऐसी, अभी 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 अटैक आया, अभी अभी मरा है, तो बॉडी तो पूरी 5 senses है, सब है, हाथ पा पूरा, वो पूरी बॉडी ऐसी वैसी दिख रही है, क्या चला गया? कोई कहते हैं सा निकली व्यो, सांस निकल गई, सारे ऑक्सीजन की नलियां लगी होती है, फिर भी मर जाता है आदमी। सांस निकल गया, जैसे आप साइकिल में हवा भर लेते हैं ना, ऐसे हवा भर लो, सांस भर लो उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर के माध्यम से, लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो जो चला गया ना, वो सोल है, उसको नाम कुछ भी दो, आत्मा कहो, जीव कहो, चेतन कहो, सोल कहो, स्पिरिट कहो, कॉन्शियसनेस कहो, और उर्दू में क्या बोलते हैं, रूह बोलते हैं, रूह, नाम कुछ भी वो, लेकिन कुछ चीज तो है जो जो डेथ मरे क्या होता है, बॉडी और सोल का सेपरेशन, आत्मा शरीर में से अलग हो जाती है, उसको शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो कैसी है, इमोर्टल है, कैसी आत्मा है, इमोर्टल, आत्मा का डेथ कभी होता ही नहीं है। फिर अगला बॉडी, जैसे हमारे अच्छे या बुरे कर्म होते हैं ना, हाँ, तो कभी देव बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी एनिमल, कभी बर्ड, कभी इंसेक्ट, कभी प्लांट्स बनते हैं, और कभी हेल में भी जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, पाप बहुत करते हैं, तो इसीलिए हम आत्मा है, इमोर्टल है। तो हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, उतना आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं, हाँ, शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहना, खाना पीना सब करते हैं, लेकिन आत्मा कितने पाप करते, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, हाँ, गाली वगैरह बोलते हैं, ज्ञान की आशा करते हैं, माँ बाप को सामने बोलते हैं, तो उनसे पाप कर्म कितना लगता है, आत्मा कर्म से भारी होता है। इसीलिए इसी प्रकार का सिन यानी पाप, इंग्लिश में सिन को क्या बोलते हैं, पापो सिन, SIN, तो सभी पापों की माँ, माने सिन है माँ, हाँ हाँ, वो नहीं देखना चाहिए। आजकल जो अभी तुम्हारी मुट्ठी में जेब में आ गई, लेकिन जहाँ तक हो मोबाइल का उपयोग कम से कम, एकदम अनिवार्य हो उतना ही, बाकी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखो छोटी उम्र में अभी चश्मे से आ गए, चारों को देखो ना, पीछे 5 सब है, तो इसका परिणाम है टीवी और मोबाइल में बहुत देखेंगे ना, तो उसको जो रेज होते हैं किरण, उससे हमारी आंखें खराब। देखो ये भी छोटा बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी स्पेक्टेकल्स, चश्मा को स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, देखो बॉब काप करते हैं ना, तो फिर ऐसे कर्म उड़े में आते हैं, छोटी उम्र में देखो पैरालिसिस हो गया कि नहीं, अभी लात पांव मिले हैं, उससे दूसरे जीवों कुछ नहीं, घास के ऊपर चलेंगे, किसी को लात मारेंगे, ये सब करेंगे, तो ऐसा कर्म बन जाएगा दूसरे जन्म में, हमको बिना जन्म से ही पैरालिसिस हो जाएगा। कितने बच्चों को जन्म से भी खून का क्या बोलते हैं, कैंसर, खून का कैंसर भी हो जाता है बच्चों को, बोलो तो क्या कारण क्या है इसका, माँ बाप पर हेल्दी है फिर भी कैसा हुआ, अगले जन्म में बहुत जीवों की हिंसा वगैरह की होती है, तो फिर कैंसर वगैरह होता है, छोटी उम्र में भी पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है। कई बच्चे जन्म से अंध होते हैं, कई बच्चे जन्म से बोल भी नहीं पाते हैं, हाँ, क्योंकि जो जीभ मिली है उससे गाली गलौज किया होगा, झूठ बहुत बोला होगा, होता है तो फिर या तो जीभ मिलती नहीं है, या तो ऐसे एक पृथ्वी पानी वायु अग्नि वनस्पति बनते हैं जिसको जीभ भी नहीं है, उससे छोटे इंसेक्ट जीव होती है लेकिन उसकी स्पष्ट आवाज़ नहीं होती है, स्पष्ट उसकी भाषा भी नहीं होती है। तो हम मनुष्य बने हैं, हाँ, इतनी जीव मिली है स्पष्ट बोलने के लिए, तो जीव से क्या करना चाहिए, भगवान की स्तुति स्तवन, हाँ, दूसरे के गुणों के अनुमोदना वगैरह करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरे को आश्वासन मिले ऐसा अच्छा बोलना चाहिए, कभी भी खराब बोलना चाहिए नहीं, जीव नहीं मिलेगी, आँख मिली है उसे बहुत पिक्चर गंदा दिखेंगे सब दिखेंगे, तो यहाँ तो आँख भी नहीं मिलेगी। देखो एक इंद्रिय वाले को खाली सब पृथ्वी पानी वायु अग्नि वनस्पति, केवल चमड़ी है,
मुंह भी नहीं है उनको, नाक भी नहीं है, आँख कान कुछ नहीं है। फिर दो इंद्रिय जीव होते हैं उनको, शरीर मतलब चमड़ी और जीव होती है, नाक आँख और कान भी नहीं होते हैं दो इंद्रिय जीव के, जो कोड़ा कौड़ी बारिश में जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, अर्थवॉर्म, हाँ सफोलिया, हाँ उसको शरीर है, मुँह है, लेकिन नाक आँख कान नहीं है। जिस सेंस का दुरुपयोग करेंगे हाँ, वो अगले जन्म में या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो भी खराब हालत में मिलेगी। आँख से खराब दृश्य देखेंगे, दूसरों के दोष देखेंगे तो आँख नहीं मिलेगी, या तो मिलेगी तो बचपन से ही रोगिष्ट आँख मिलेगी। कान से भी सिनेमा के गंदे गीत सुनेंगे हाँ, दूसरों की निंदा सुनेंगे रसपूर्वक, तो या तो कान मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे जन्म से भी फिर डेफ माने वो बड़ा आपने पैरा बोलो, कोई टाइम अपना हो गया ऐसे तो 8 से 9 हाँ, बाकी तो खड़े होकर बोलो पूरा। अभी दिस इज नाउ लास्ट क्वेश्चन हाँ, क्या नाम है? आदि धर्मेश सालिया। आदि धर्मेश सालिया, वेरी गुड। मैं गांव नानीघर से हूँ, नानी वेरी गुड। मेरा सवाल ये था कि ये जो ये था अभी नहीं है सवाल, ये था है ही नहीं, ये जो कचरी आंगड़ी कहते हैं, कचरी इसको ही बोलते हैं, यही क्वेश्चन हमको अभी 2 दिन पहले हम बोरीवली ईस्ट में थे तब भी पूछा गया था। इसका आंसर किसको आता है बोलो, आता है आंसर, आंसर इसका आता है, इसको आता है, आता है तुमको, आता है बोलो, चलेगा इसको बोल लेना, कोई भी बात नहीं बोलो। भगवान भगवान जी मांग रही है, कट्टी वट्टी नहीं, उसका नाम अनामी, ये जवाब क्या हुआ कि इसको अनामिका क्यों कहते हैं, ये जिसने जो आंसर दिया ना, बाकी के 4 आंगे अलग अलग नाम है, इसको थम्स अंगूठा थम बोलते हैं, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर क्या है, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर ये बीच वाली मिडल मिडल, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर लिटिल गर्ल, तो इंग्लिश में तो बोलते हैं रिंग फिंगर इसको बराबर है, लेकिन संस्कृत में इसके लिए दूसरा कोई नाम नहीं मिला, तो इसका नाम क्या, अनामिका, इसका कोई स्पेशल दूसरा नाम नहीं है, इसलिए अनामिका। तो इससे पूजा क्यों करनी चाहिए कि भगवान की पूजा करते 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 एक दिन हमको सिद्ध भगवान बनना है, सिद्ध मोक्ष में, तो मोक्ष में किसी का कोई अलग नाम नहीं होता है, सभी सिद्ध पर भगवान, बस जहाँ महावीर स्वामी ये गौतम स्वामी ऐसे अलग अलग नाम नहीं होते हैं, तो भगवान की पूजा के माध्यम से हमें अनामी ऐसे सिद्ध भगवान बनना है, इसीलिए अनामी का अंगुली से भगवान की पूजा करते हैं। किसी ने वहाँ ये भी जवाब दिया था कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट से भी होता है, अच्छा आपने आपको मालूम है, प्रश्न तो अभी बहुत है, देखो हम पिछले करीब 4-5 दिनों से हर जगह पाठशाला लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आनंद हमको आज आया, इतने क्वेश्चन बच्चे ले पूछ रहे हैं, हमको तो बाधा नहीं है, 10 बजे तक चलेंगे, चलो आना पड़ेगा, जब भी हमको समय अनुकूलता होगी ना तब आएंगे हम, और अगली बार जब आए ना तब इतने बच्चे हमको नहीं चाहिए, 400 घर हैं, हर एक घर में से एक एक बच्चा, तो 400 बच्चे हो जाए, ये ऊपर से बड़ा बनाना चाहिए फिर तो, ऐसे इतने बच्चे आओ भी ऊपर बच्चियों की हो जाए, अभी जल्दी से जल्दी दूसरा नया बड़ा ऊपर से ले ले रहे, बोलो मारे सब जब पात्रा यूज करिए से कौन सेम मटेरियल, जो मैंने प्लास्टिक में ने लकड़े એટલે પ્લાસ્ટિક મે ને મે યુઝ માં કરી હા પ્લાસ્ટિક હે ના ઇટ ઇઝ વેરી બેડ બેડ મેટર બેડ થિંગ
कैंसर भी होता है प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। अच्छा एल्यूमिनियम के बर्तनों में भी कई लोग रसोई करते हैं तो उसके उससे जो गर्म रसोई होती है तो उसमें प्लास्टिक का या एल्यूमिनियम का अंश भी मिलता है तो आगे चल करके कैंसर तक की बीमारियाँ भी आ सकती हैं। जबकि ये लकड़ा जो है क्योंकि इसमें करंट भी पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिक नहीं होता है, बराबर है, या तो रबर होती है या एलर्जी होता है तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक पास सीटी पास नहीं होती है तो इसलिए लकड़े के बर्तन जो हमारे हेल्थ के लिए इसमें ये लकड़े के बर्तन बोलो। देखो अभी समय कम है ना, क्योंकि अभी मेरा नाम ये वो सब नहीं, सीधा कैसे शॉर्ट में पूछ लो फटाफट फटाफट इंस्टेंट का धर्मला सीधा कैसे ये जो हिंदू लोग और ये लोग होते हैं मुस्लिम लोग वो लोग जब ये मटन और ये सब काटते हैं तो उनको पाप नहीं लगता? बहुत पाप लगता है अगले जन्मों में, या तो उनको हेल में जाना पड़ता है भयंकर वाडुक होते हैं या अगले जन्म में उनको भी वो भी एनिमल बनते हैं और कितने जन्मों एक जन्म में कितने जन्मों तक उनको एनिमल करके ये बुचड़ खाने में उनकी भी कतल होती रहती है। हाँ जैसा करेंगे जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। हाँ आम बोएंगे तो आम खाने मिलेगा और बबुल बीज बोएंगे तो फिर कांटे चुभेंगे। ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट। अभी अभी इनाम नहीं ऐसे ही हाँ फटाफट बोलो भगवान कैरेक्टर हाथ जोड़ के ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान क्या भगवान अच्छा वेरी गुड। देखो भगवान कैसे बनते हैं, तुमको बनना है भगवान? तुमको नहीं बनना भगवान, भगवान तो बनना चाहिए हम सभी। जब तक हम भगवान नहीं बनेंगे ना तब तक इतने बेथ और बर्थ साइकिल चलती रहेगी, जन्म मरण। हाँ भगवान बनेंगे तो हमेशा के लिए सुखी आनंद ब्लिसफुल हो जाएंगे, इटरनल ब्लिस। भगवान जो होते हैं ना इटरनल ब्लिस में होते हैं हमेशा, तो हम सभी को ब्लिस तो चाहिए ना, हैप्पीनेस तो चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भगवान इटरनल ब्लिस माने शाश्वत आनंद में होते हैं तो आनंद में सभी को रहना है इसीलिए भगवान बनना पड़ेगा। अच्छी बात है ना, भगवान कोई करोड़पति बनना चाहता है, हमें तो भगवान बनने का टारगेट रखना चाहिए। मुझे भगवान बनने के लिए पहले महाराष्ट्र बनना चाहिए फिर बाद में भगवान बन सकते हैं जल्दी। चलो जल्दी फटाफट हाँ भाई वीरेंद्र भाई चलो सबका लेकर भगवान क्यों चुनी है? भगवान की सन को चुनी है, सन हाँ सूर्य सन 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 जैन जैन सन को चुनी है। हाँ 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 जैन किसको बोलते? बैठ जाओ। भगवान को जो है ना जीन कहते हैं, जीन माने जीतते हैं, जीतने वाले। किसको जीतते हैं? दुनिया को नहीं, क्रिकेट मैच में नहीं, अपने अपने मन को जीता। सुनो भगवान ने अपनी फाइव सेंसेस और अपने माइंड को जीत लिया है, क्रोध मान माया लोभ सबको जीत लिया है। हाँ कितना भी कुछ करो, गाली दो भगवान को, अपमान करो भगवान को, मारो तो भी भगवान क्रोध नहीं आएगा कभी, अहंकार नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। सभी दुर्गुणों को दोषों को भगवान ने जीत लिया है इसलिए वो जिन का कहे जाते हैं और जिनके जो भक्त होते हैं उसको जैन कहा जाता है। हमें भी जब तक हम राग द्वेष को जीतेंगे नहीं, मन को जीतेंगे नहीं तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। हाँ राग द्वेष को जीतेंगे तभी हम हमेशा के लिए सुखी बन सकेंगे, इसलिए भगवान जैसे हमें जिन बनना है इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो ही उनके जैसे हम बन पाएंगे। बोलो एक चौबीसी और दूसरे चौबीसी के बीच में इतना बड़ा अंतराय क्यों रहता है? अंतर नहीं अंतर डिफरेंस नेचुरल है इसको क्या बोले। हम तो मैं प्रश्न पूछूं कि व्हाई द वाटर इज कॉल्ड व्हाई द फायर इज हॉट, व्हाट इज द आंसर? नेचर, हर एक अपना अपना नेचर होता है, वो काल का ये नेचर ऐसा है। देखो आप बड़े थक गए हैं, बच्चे नहीं थके हैं अभी है ना? देखो अभी बच्चों की उंगलियां ऊंची ऊंची रहती है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्यों उंगली हाथ हमारा रहे ऊंचा हमारा। हाँ देखो पाठशाला पढ़ाने वाले जो भी हो सुन लो, देखा ना चमत्कार, ऐसे क्वेश्चन आंसर रखेंगे
बच्चों को इंट्रेक्शन होगा और जो क्वेश्चन पूछे उसको इनाम लेने का, जवाब दे उसको भी इनाम, क्वेश्चन पूछे इसको भी इनाम लेने का, फिर देखना चमत्कार कैसा होता है। अभी आपकी मम्मी हम नाम बोल रही है मुझको, तो देखो हमको सुबह जल्दी 3 बजे उठना होता है तभी हम जल्दी क्लियर कर सकते हैं ना। रात्रि बहला सुई बोलो, रात्रि बहला सुई, ठीक एक्शन हो, रात्रि बहला सुई ने बोलो, रात्रि बहला सुई ने, बहला उठे वीर, बहला उठे वीर, बल बुद्धि धन बहुवधे, बल बुद्धि धन बहुवधे, सुखी हो रहे शरीर, सुखी हो रहे शरीर, पांव गरम पेट नरम, पांव गरम पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, सिर को रखो ठंडा, फिर भी अगर डॉक्टर आए, फिर भी अगर डॉक्टर आए, उसे दिखा दो डंडा, उसे दिखा दो डंडा। पांव गरम माने पांव को प्राइमस के ऊपर गरम रखना चाहिए, दूध की जरूरत चाहिए, और पेट गरम माने पेट को बस ऐसे दबाना चाहिए, और सिर को ठंडा माने उठ के बर्फ घिसना चाहिए, नहीं तो पांव गरम माने जब अपने काम खुद करो, एक्सरसाइज होती है व्यायाम, तो उससे हेल्थ बराबर रहता है। पेट गर्म माने भूख उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, ठूस ठूस के यहाँ तक भजिया नहीं खाना चाहिए, और सर को ठंडा रखना माने क्या, माने गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करते ना गुस्सा करते हैं, तो तुम तूफान करते हो, उनका कहना नहीं मानते हो, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, तो मेथी पान मिलेगा, उसका कहा बराबर मानोगे ना, मम्मी को पाँव आशीर्वाद लोगे तो फिर दूध पाक कोपरा पाक कालम हल्दिया पाक ये मिलेगा। चलो सर्व मंगल तो उससे ही पूजा क्यों की? वेरी गुड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमको अभी दो तीन
प्लीज को बोल देना कोई बात बोलो ही अंकिती पर पूछा लेला कहीं था बिकॉज़ भगवान जान रही है भगवान जी मेरे भगवान जी आ रही है ये बारो कट्टी वे चरम की कोई पत्ती कट्टी पत्ती में ये की बना ये उसका नाम अनामी ये जवाब क्या हुआ इसको अनामी का क्यों कहते हैं ये जिसने जो आंसर दिया ना बाकी के चार अलग अलग नाम है इसको थम्स अंगूठा थम बोलते हैं इसको रिंग फिंगर बोलते हैं जैन किसको बोलते बैठ जाओ देखो आपको कभी ऐसा प्रश्न उठा मगज में नहीं आया क्या व्हाट इज योर नेम आरो हाँ प्रभा ना दो इसको बच्चे को हाँ चलो वेरी गुड बॉय धन्यवाद नाउ यू स्टैंड अप मेरा एक छोटा सा प्रश्न छोटा सा प्रश्न था पहला मरे जो तो जैन धर्म इतना बोलो पहला मरे क्षत्रिय और वॉरियर था पर वो जैन धर्म में वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन गिव हिम तो दिमाग जोड़ के खड़े रहो और आंसर सुनो ही इज रिकॉर्डिंग यू ही इज रिकॉर्डिंग यू हां तो क्वेश्चन क्या था कि महाराज व्हाइट ड्रेस व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं बरोबर है बोलो इसका आंसर किसको आता है अभी इसका आंसर किसको आता है आंसर बोलो वेरी गुड बोलो हाथ जोड़ करके बोलो इधर देख कर वेरी गुड अच्छी में जवाब दिया क्योंकि महाराज साहब उनको राग ना वाइट रंग बिरंग कलरफुल कपड़े पहनते हैं ना उसके ऊपर क्या राग होता है आसक्ति होती है आजकल तो कितने फैंसी कपड़े पहन फैंसी ड्रेस निकले हैं लोग नहीं पहने ऐसे ऐसे भी ड्रेस निकल रहे हैं तो व्हाइट ड्रेस पहनने से राग नहीं होता देखने वालों को भी राग नहीं होता है और खुद को भी राग नहीं होता है दूसरा सफेद जो रंग है ना कलर वो शांति का प्रतीक ऐसा करो बताना नहीं बोलने का फिर अपना नाम पूरा बोलने का पूरा परिचय लेने का पूरा मेरा नाम सरनेम के साथ बोलने का ये नाम है और मैं कच्छ में अगर आपको मालूम हो मैं इस गांव का कच्छ में निवासी हो ऐसे पूरा पूरा अपना परिचय लेना फिर बोलना कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ऐसे करके प्रश्न बोलना बोलो मेरा नाम प्रशम विकी छेड़ा है आप होटल आए जाते अच्छी हिंदी ट्राई करो इंग्लिश में बोलो हिंदी बोलो इंग्लिश में बोलो इतना कठिन नहीं होगा मेरा नाम प्रशम विकी छेड़ा है मैं होटल आए जैसे हूँ वेरी गुड मेरे को एक छोटा प्रश्न है अच्छा। कि मारा गर्ल मारा सर को हम पैर क्यों टच नहीं कर सकते अरे वाह ये बहुत कठिन प्रश्न है और इसका जवाब अभी तो सबको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तब समझ में आएगा माने ब्रह्मचर्य पालन के लिए हमारे विचार कभी खराब न हो जावे इसके लिए देखो आज कल पिक्चर में कैसे कैसे दिखता है हीरो हीरोइन डांस करते हैं वो सब देख करके आपके दिमाग में मन में खराब विचार आ सकते हैं कि नहीं इसीलिए ये मर्यादा बताई गई है तुम मैं तुमको प्रश्न पूछूँ कि तुम इलेक्ट्रिक का वायर खुला हो तो उसको छूओगे क्यों छप लगता है हाँ इसलिए छप लगता है वो भी अभी अलग प्रकार का शॉक होता है टच करने से वेरी गुड इज देयर हेल्पर चीफ नो और असिन क्या बोलते हैं हाँ राइट राइट ठीक ना नर्मला इंग्लिश होता है हिंदी देखो नरेंद्र मोदी भी हिंदी में भाषण देते हैं चाहे कहीं फॉरेन में जाएंगे हिंदी में बोलेंगे और राष्ट्रभाषा ऐसा गौरव होना चाहिए बोलो हिंदी में मेरा नाम याना परिता जी का नाम याना याना अच्छा बोलो बोलो आगे बोलो मेरा विलेज
गांव को गुंडाला, पश्चिम में मेरा गांव पश्चिम में गुंडाला है। ठीक है, बोलो आगे बोलो। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी भैन, मेरा नाम हर्षितेश गढ़ा है, मैं गांव सापराई से हूँ। कच्छ सापराई। मेरा एक प्रश्न है कि जो तपेगच वाले रहते हैं उनका पूजा करने का वो अलग होता है और हमारा पूजा करने का वो अलग होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर किसके को आता है? बड़ों को भी पता नहीं होगा, बच्चों को कैसे पता होगा इसका आंसर? राइट, चलो बोलो हिंदी में। मेरा नाम लिखा आशीष काला है, मेरा गांव वहाँ पर है। तपेगच वालों की पूजा करने की एक अलग रहती है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि उनका मोक्ष नाभि से होता है और हम लोग का मोक्ष यहाँ से लास्ट में यहाँ है ना। चलो थोड़ा सा ठीक है, अभी बराबर सुन लो उसका जवाब। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आप तपेगच का जो मंदिर है वहाँ पूजा कर रहे हैं और आप कचरगज की क्रम के अनुसार कचरगज में कैसे करते हैं, देखो पहले भगवान के दो अंगूठे, फिर दो जानू घीचड़, फिर दो हाथ कंधा राइट फिर लेफ्ट, उसके बाद कहाँ करते हैं हमारे कचरगज में नाभि, फिर हार्ट नवेन हार्ट शोल्डर एंड तो क्या बोलेंगे नेक और इसमें कैसे करते हैं, जैसे पहला तीन को सब पारा साथ रखा है, दोनों हाथ के बाहर दोनों शोल्डर फिर तेल और फेट और है नेक्स्ट हाँ नवे ओके, इस प्रकार से तपेगच में करते हैं।